बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बस स्टैंड से चौक बाजार की ओर जाते हैं। तो काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पर दूधनाथ मंदिर, दर्शन करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, आपको छतरपुर के पूरे मंदिरों के दर्शन कराते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लोग लेके आएंगे। देखिए राम मंदिर पूरा दर्शन करिए, आप चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए रहे महाराज, जानते हैं महाराज से। महाराज आपका क्या नाम है? बद्री प्रसाद पटेलिया। मंदिर के बारे में बताइए, कौन सा मंदिर है ये? ये श्री श्री 108 श्री दूधनाथ मंदिर बस स्टैंड से जो चौक बाजार के लिए रोड गया है उस पर स्थित है जी मंदिर। और ये इसका इतिहास बड़ा प्राचीन है। छतरपुर महाराज जो थे उन्होंने द्वारा यह मंदिर की मूर्ति की स्थापना कराई थी। उस समय मुगलों का साम्राज्य था। किसी ज्योतिषी ने बतलाया होगा कि आप बालू की शिवलिंग की मूर्ति स्थापित करें और अभिषेक कराएं तो अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करेंगे। इस मूर्ति की विशेष महिमा है कि जिस गाय या जिस स्त्री के दूध ना निकलता हो और वो आकर के यहाँ दूध अर्पित कर दे, दूध चढ़ा दे, तो निश्चित रूप से उस गाय पैर भैंस या स्त्री के और दूध निकलने लगता है। यह यहाँ की प्रत्यक्ष महिमा है। सावन का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है। हाँ, हर सोमवार को यहाँ अपार भीड़ होती है, श्रद्धालु आते हैं अपनी कामना लेकर के और भोलेनाथ के सामने अपनी कामना प्रकट करते हैं और भगवान से सुख समृद्धि और हमारे देश और परिवार हमारा सहज सुखी रहे इस प्रकार की कामना करके और भगवान से प्रार्थना करके और आशीर्वाद लेकर के और अपने स्थान को जाते हैं। धन्यवाद महाराज, बड़ा ही आपने बहुमूल्य समय दिया, अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, धन्यवाद महाराज। देखिए आप पहुँचे, देख सकते हैं पूरा। देखिए मंदिर दूधनाथ मंदिर, जैसा कि महाराज ने बताया है, बड़ा ही पवित्र मंदिर है, बड़ा ही ऐतिहासिक मंदिर। देखिए बालू का बना हुआ है, इसको उन्होंने जानकारी दी। बाकी पवित्र छतरपुर में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। जब भी आप आइए छतरपुर में, बस स्टैंड से आप बजरिया की रोड आइए तो आपको बीच में दूधनाथ मंदिर दर्शन जरूर करिए, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी, दर्शन जरूर करते रहिए। हाँ सर, हम करते हैं अपन। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है पूरा, देख सकते हैं मंदिर। बगल में देखिए मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसके भी आप दर्शन करिए। आज देखिए आप साक्षात गुरु के दर्शन को, तो आप जब भी छतरपुर में आइए तो आप दूधनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करिए, आपकी हर मुराद। जैसे ही बाहर अपन निकलते हैं तो देखिए आप, ये मंदिर बाद में स्थापना हुई है, तो आप दर्शन जरूर करिए। आप देखिए माता है ये राधा कृष्ण मंदिर, सीता मंदिर, सभी यहाँ पर बजरंगबली सरकार, सभी के दर्शन आपको करने को मिलते हैं। तो ये रहा दूधनाथ मंदिर, तो जब भी आप आइए विजिट जरूर करें आप। ऐसे ही वीडियो हम लोग लेके आएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।